Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अब हमारा एक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने ऐयान की शादी एमन से कर दी तो मेरी बेटी का क्या होगा? सानिया, रहने दे भाभी। कहने और समझने में बहुत फर्क होता है। आपने कहा ना कि ताई जान मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं? हाँ। तो मेरी बेटी पराई हो जाएगी। मैं आपकी अपनी और अपने कभी पराए नहीं होते। अच्छा, मैं आज बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ इमन। आयान के साथ तुम्हारे मुस्तकबिल का सोच के मेरी तो सारी फिक्रें और परेशानियां खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आयान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जी अम्मी, आयान बहुत अच्छे इंसान है। और उसकी अम्मी भी अच्छी लगी मुझे। वो औरत मुखलिस और सच्ची। बस परवरदिगार तुम्हें हमेशा खुशियों से भरी जिंदगी दे। आमीन। अच्छा अब ऐसा करो, अपनी बहन को भी ये सब बता दो। इतने दिनों में वो तो मेरा दिमाग ही खा गई। आयान बेवकूफ बना रहा है, आयान बेवकूफ बना रहा है। 100 तरह के वसवसे मेरे भी दिल में डाल दिए थे। लगता है कि अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फोन कर दोगी ना उसे? बस आप परेशान नहीं है, मैं खुश हूँ। आयान से बात हो गई है मेरी। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आप दोनों की साथ ही शादी कर दूँ। जी ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इस तरह घर में जो टेंशन है वो भी कम हो जाएगी। बस शाज़ीब उरूज को खुश रखे। हाँ जाहिर सी बात है, अगर उसने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया हो। ये शाज़ीब का नहीं मेरा फैसला है। उसको तो अभी कुछ मालूम भी नहीं है। हम आप ये कैसे कर सकती हैं? शाज़ीब से पूछे बगैर किस तरह फैसला कर सकती हैं? ऐसा क्या पूछूं मैं शाज़ीब से? यही कि कहीं वो भी आपकी तरह मुझे दुनिया के सामने रुसवा तो नहीं कर देंगे। मामा मेरा कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस। क्या माँ बाप अपनी औलाद को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करते हैं कि जब औलाद का दिल चाहे वो दुनिया के सामने उन्हें बेइज्जत कर दें, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मर्जी से उनकी शादी करना चाहते हैं? नहीं नहीं मामा, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि शाज़ीब भी एक बार जान ले, उसका भी हक है जानने का। और पेरेंट्स? पेरेंट्स का कोई हक नहीं होता, सिर्फ फराइज होते हैं। नहीं नहीं मामा, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ शाज़ीब के लिए। आप प्लीज शाज़ीब के लिए परेशान मत हो, उसके मुस्तकबिल की मुझे ज्यादा फिक्र है। अरे अम्मी तो बहुत खुश हैं। पता है मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अम्मी एक बार उनके घर आने पर हाँ कर देंगे। हैरत है, कैसे मान गई अम्मी? कुछ कह रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि इतनी आसानी से आपको अम्मी ने कैसे इजाजत दे दी लव मैरिज की। वैसे अभी एक बात तो है, अम्मी के रूल्स आपके लिए अलग और मेरे लिए अलग है। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी ने कभी भी मुझ में और तुम में फर्क नहीं किया, ऐसा क्यों सोचती हो? तो फिर और क्या सोचूं? मुझे तो इन अमीरों से दोस्ती करने को मना कर रही है और खुद रिश्तेदारी कर रही है। तुम्हें मेरे रिश्ते का सुनकर खुशी नहीं हुई? अरे नहीं आप, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस एक बात कह रही थी, क्योंकि अम्मी के खदशात तो वाकिफ है ना, कहीं ऐसा ना हो बाद में आयान भाई घर वालों की डिमांड पूरी करना मुश्किल हो जाए। आयान और उनकी फैमिली की कोई डिमांड नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते आप, लोगों का पता उस वक्त चलता है जब उनसे वास्ता पड़ना शुरू होता है। पता नहीं किस पे चली गई होगी। खैर घर कब आओगी? अभी तो गई हूँ, जब आना होगा तो आ जाऊंगी। अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज़। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई खिलौना हूँ? अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुमने अपने भाई को दे दिया। देखिए रूज, मैंने आपको कभी कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, ना आपसे मोहब्बत के वादे किए। तमाशा तो बनाया ना मेरा, सबके सामने जलील किया, मेरी इतनी इंसल्ट कभी भी नहीं हुई। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, मैंने किसी का तमाशा नहीं बनाया। मैं मन से मोहब्बत करता हूँ और शायद इस बात को आप अपनी अना का मसला बना रही हैं।
और इसीलिए आप इंसल्टेड फील कर रहे। तुमने मुझे चीट किया, मैं तुम्हें कभी भी माफ करूंगी। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? ये जो ड्रामा शाज़ेब के नाम से मेरे साथ। देखिए शाज़ेब से आप शादी करें या ना करें आपका मसला है, नहीं। मैंने आपको फोर्स नहीं किया कि आप शाज़ेब से शादी करें। झूठ मत बोलो, ये सब तुम्हारी साजिश है। मुझे तो लगता है उस लड़की ने तुम्हें ही सारे मशवरे दिए होंगे। छोड़ूंगी नहीं मैं हेमंत को, ये बात याद रखना। हेलो, हेलो, कौन? अजी समझे तो बहुत कुछ, वरना कौन बोल रहा है? कर रहा हूँ, और कौन? इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? क्या काम है? काम क्या होना है आपसे? मुबारकबाद देनी थी आपको। किस बात की? भाई हमने सुना है कि शादी हो रही है आपकी। दिमाग तो ठीक है आपका, पता है क्या बोल रहे हैं? एक तो पता क्या है, बहुत बड़ा मसला है आपके साथ, हर बात का गलत मतलब ले लेती हैं आप। मेरे कहने का मकसद ये था कि आप जैसी अच्छी और खूबसूरत लड़की को एक से एक रिश्ता मिल सकता है। मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं। एक बात और सुन लीजिए आप, अगर इंसान की शक्ल सूरत अच्छी हो ना तो जरूरी नहीं है कि उसकी किस्मत भी उसका साथ दे, वो भी अच्छी हो। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे इंसान चाहता कुछ है, होता कुछ है, पता नहीं चलता। बनते रिश्ते टूट जाते हैं, किसी को क्या खबर, घर आई बारात भी वापस लौट जाती है। क्या हुआ भाई, ये रोज इतना गुस्से में क्यों गई है? पता नहीं मुझे, जो भी पूछना है मामा से जाके पूछ लो। क्या बात, हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे आज। शाज़ेब जी मामा, मुझे आपसे एक जरूरी काम। मैं अरूज के साथ आपकी शादी कर रही हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? ये क्या बात कर रही है मामा, मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसे मेरे भाई ने रिजेक्ट किया हो? शाज़ेब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अयान के रिजेक्शन की वजह यह नहीं है कि अरूज कोई अच्छी लड़की नहीं है। इनफैक्ट अयान को कोई और लड़की पसंद है। वजह कुछ भी हो मामा, लेकिन मैं अरूज से शादी नहीं कर सकता। सानिया मैं चाह रही थी कि हम पहले एमन के घर चले चले, ताकि शादी से पहले के जो भी मामलात होते हैं वो पहले ही तय हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक सोच रही हैं, वहां जाकर पता तो चले हमें कि उनके खानदान की रस्में किस तरह से होती हैं। और वैसे भी गैरों में शादी करना वाकई बहुत बड़ा मसला है। आप मेरे साथ चलेंगी ना सानिया? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊँ। देखूँ तो उन लोगों में ऐसी कौन सी बात है जो अयान ने उन्हें हम पर तरजीह दी। ठीक है तो फिर आप अयाज से भी कह दीजिएगा। अयान जी मामा। बेटा मैं सोच रही थी कि हम कल एमन के घर चलें, कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे ख्याल आप उन्हें बताओ। ठीक है मामा मैं बता दूँ, बस मैं कल ऑफिस से आ जाऊँ तो फिर। अरे भाभी आप अयान को क्यों परेशान कर, उसे रहने दे, हम चलेंगे ना। कल एमन के ससुराल वाले आ रहे हैं तो मैंने सोचा आज ही जाके सौदा ले आऊं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। सानिया जी, बस इस सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो प्लीज। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, घर में इतने मुलाजिम हैं, आप मुझे काम क्यों बोलते हैं? सानिया एक कप चाय का ही तो बोला है मैंने। आपके सर में दर्द है ना, एक टैबलेट ले और जाकर सो जाएं। जी मुसीबत है। भाभी मैं यहाँ अपना कुछ पुराना सामान छोड़ गया था। वो हाँ वो
मैंने नीचे स्टोर में शिफ्ट करवा दिया था, अगर आप कहें तो मैं निकलवा देती हूँ। जी भाभी, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, अगर आप मुझे स्टोर की चाबी दे देंगी तो मैं खुद देख लूंगा। मैं अकबर से कहती हूँ, वो आपको कीज दे देगा। जी जी, थैंक यू। न जाने अब वो कहाँ होगी। इस शहर में इसको ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं, शायद पुराने डॉक्यूमेंट से ही कुछ पता चल जाए। अयाज जी, आप कल चल रहे हैं ना हमारे साथ ईमन के घर पर? जी भाभी, कल? हाँ, सानिया ने बताया नहीं आपको? जी भाभी, भूल गई होगी, लेकिन कल तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। आप लोग चले जाइएगा प्लीज। आप हमारे साथ चलते तो अच्छा होता ना, इस खानदान के सरपरस्त तो आप ही हैं। जी भाभी, मैं समझता हूँ, मगर क्या करूँ, मसरूफियत ही ऐसी है। ऐसे कीजिए, आप लोग कल जाइए, मैं किसी और दिन चला जाऊंगा। आपने काया नहीं किया करो ऐसे, आप आपसे कहा था कि तकलीफ मत किया करो, कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता दिया करो, मैं ला दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही सस्ताने के लिए बैठ गई थी, मैं ले जाऊंगी सामान। अरे अच्छा, बस तब भारी शॉपर कहा ना, मर्दों का काम है। वैसे किसी की दावत कर रही है आप? इतना सारा सामान कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, कल एमन के ससुराल वाले आ रहे हैं तो मैंने सोचा आज ही जाके सौदा ले आऊं। अच्छी बात है जी, बड़ी खुशी हुई, मेरी दुआ है कि एमन हमेशा खुश रहे। जी, जो आजकल का जमाना है ना, अल्लाह माफ करे मेरी तौबा 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 तौबा। अब मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि परख लेना अच्छी तरह। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात को जरा गौर से समझिएगा, मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो अमीरों से जो रिश्ता निभाना है ना, कोई आसान बात नहीं है, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा करना पड़ता है। भाई आप अपने मोहल्ले की ये रुलेखा आप आए इनको ले लो, 2 महीने हो गए अलहदगी हो गई और बेटी घर आके बैठ गई। मगर क्यों? कोई एक बात हो तो बताओ ना, वही पुरानी बात, गाड़ी क्यों नहीं दी, जेब क्यों नहीं दिया। इसलिए सियाने कहते हैं कि रिश्ता जो है ना, वो बराबरी वालों से करना चाहिए। चले गए, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कुछ फाइलें चाहिए थी दफ्तर के लिए, सुबह ऑफिस में काम आएंगी। आ रहा हूँ, सो जाओ।
शाहजेब, शाहजेब मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या आपको पता तो है कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं आपसे उरूज और आपके मामा, प्लीज मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। आपका बार बार मुझसे पूछना मेरी ना को हाँ में तब्दील नहीं करेगा। शाहजेब बैठिए ना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। काफी अजीब से एरिया में रहती हैं और यहाँ की गलियां भी बहुत नैरो हैं। इस साल से यहाँ गाड़ियां तो होती नहीं है। अक्सर लोगों के पास मोटरबाइक है। ये कुछ मिठाई है आपके लिए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? ये तो हमारे खानदान की रिवायत है। हम वैसे भी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते और ये तो कुछ भी नहीं, हम तो बहुत कुछ लेकर जाते। बेटा ये सब चीजें उठा लो यहाँ से। अगर एमन का रिश्ता तय हो गया तो समझो मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हमें। अगर एमन का रिश्ता तय हो गया तो समझो मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या आवाज है रशीद भाई, आजकल किसके ख्यालों में खोए हो? आजकल बड़े खोए खोए से रहने लगे हो। तो बीड़ी जलई ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी। तो सज्जू एक दुआ कर कि जो मैं सोच रहा हूं ना बस उसी तरह हो जाए। डेढ़ बज गया है, शाहजेब अभी तक घर नहीं आए। आप सोई नहीं? जिन वालिदैन की जवान औलाद रात को देर तक घर से बाहर हो वो कैसे सुकून से सो सकते हैं भला? आप मेरी फिक्र ना किया। शाहजेब आपको किस बात का गुस्सा है? मामा आप अच्छी तरह जानते हैं। आप क्यों जिद कर रहे हैं मुझसे? जिद मैं नहीं आप कर रही। आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकता। मुझे अपनी औलाद से हरगिज भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं माँ हूँ आपकी, जो भी फैसला करूंगी आप सबकी बेहतरी के लिए ही करूंगी। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी मामा आपके लिए कुछ बुरा चाहेंगी? रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाइए, मुझे भी सुबह जल्दी उठना। शाहजेब गुड नाइट मामा। सुभान अल्लाह क्या बात है। अरे सारी मिठाइयां मेरी पसंद की है। वैसे मीठा मुझे बहुत पसंद है, एक आर से तो मेरा काम वैसे भी नहीं चलता, दो चार जरूर खाता हूँ मैं। आप ये खत्म करें मैं और लेकर आ जाऊंगी। लीजिए। नहीं 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 नहीं, आज एक ही काफी है। तो दिल चाहेगा तो अपना घर है, मांग के खा लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। वैसे ये है कि खुशी की मिठाई है? मेरी एमन की बात पक्की हो गई है। पानी ले लीजिए, पानी।
बड़ी आपा है ना हमारी, उन्होंने भी अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, कहाँ किया रिश्ता? जानने वालों में किया है, वालिद तो नहीं है लड़की के, लेकिन वालदा ने ही तरबियत की है। क्या मतलब, फादर कहाँ है लड़की के? पता नहीं भाभी, क्या बताऊँ आपको, दोनों के आपस में बनी नहीं और शादी के 3 साल बाद ही उनकी तलाक हो गई। तो बड़ी अजीब बात है, उन्हें तो इनकार कर देना चाहिए इस रिश्ते से। मेरे ख्याल सानिया आप समझाएं अपनी आपा को कि वो फौरन इस रिश्ते से इनकार कर दे। लेकिन भाभी बहुत अच्छे लोग हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, एजुकेटेड हैं, बस लड़की की माँ तलाक के आफ्ता है, लेकिन आपा को इस पर कोई एतराज नहीं है। यही तो सबसे बड़ी खामी है सानिया। देखिए जैसी माँ होती है वो वैसी ही अपनी बेटी की तरबियत और परवरिश करती है, और चाहे कुछ भी हो ना, बेटी बिल्कुल माँ पर ही जाती है। सही कह रही हूँ। अरे इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अपनी आपा को समझाएं, आखिर कोई तो वजह होगी ना जो उनके माँ बाप की आपस में नहीं बन सकी। माँ बाप की अलहदगी बच्चों पर बुरे असरात मुरतब करती है, और ऐसी माओ की बेटियां कभी भी अच्छी बहू साबित नहीं हो सकती। बात करूंगी मैं आपसे। खैर अगर मैं आपकी आपा की जगह होती ना, तो कभी भी ऐसी लड़की को अपनी बहू ना बनाती, फॉर श्योर। परेशान लग रहे हैं मुझे। एमन, अगर मामा को ये बात पता चल गई कि तुम्हारी अम्मी की डिवोर्स हो गई है, तो वे इस रिश्ते से फौरन इनकार कर देंगी। धोखे हैं बड़े धोखे हैं इस राह में। हेलो एमन, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी। जी बोले। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए, परेशान लग रहे हैं मुझे। एमन, अगर मामा को ये बात पता चल गई तुम्हारी अम्मी की डिवोर्स हो गई है, तो वे इस रिश्ते से फौरन इनकार कर देंगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो खुद बहुत परेशान, मैं नहीं चाहता मामा को इस हकीकत के बारे में कुछ भी पता चले। आप अपनी मामा को समझाएं आया, ये तो किसी भी औरत के साथ हो सकता है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, अब उनकी किस्मत में ये सब था तो क्या कर सकते हैं। अरे मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ, मगर इस बात के बारे में मामा को समझाना आसान बात नहीं है। अयान पता नहीं कहाँ चले गए। अयान, बेटा किसका फोन है? कुछ नहीं मामा, दोस्त का फोन है। एमन, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है तो मुझे तो बताओ ना। आयान का फोन आया था, उन्होंने कहा कि उनकी मामा को ये बात कभी पता ना चले कि बाबा ने आपको तलाक दी है। क्या क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो शादी से इनकार कर देंगे क्योंकि उनको लगता है कि तलाक की नौबत औरत की वजह से आती है। मैं तो सोच रही थी कि जिस तरह मोहल्ले वालों को बताया है कि हमारे बाबा का इंतकाल हो गया है, ऐसे ही आयान की मामा को भी बता देते हैं। नहीं बेटा नहीं, मोहल्ले वालों से तो मैंने इसलिए कह दिया था कि कोई ऐसी उल्टी सीधी बात ना करे, लेकिन बेटा जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ झूठ नहीं चलता, रिश्ते सच की बुनियाद पे रखे जाते हैं। और ये भी तो सोचो कि अगर उनको बाद में पता चला तो
वो तो अब तक कोई बात निकली नहीं तुम्हारे बाप के हवाले से, वरना मैं तो उनको बता चुकी होती अब तक। बाबा ने आपको तलाक क्यों दी? नहीं, मैंने नहीं कहा था कि मुझे छोड़े, लेकिन वो छोड़कर चले गए। मेरा कसूर क्या था ये मैं उनसे पूछती रही, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने किस तरह इतने साल एक एक पल गुजारा है ये मैं जानती, सिर्फ मैं। सब कुछ लुटाए ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। मुझे उन लोगों को ढूंढना चाहिए, इतने सालों से उनकी कोई खबर ही नहीं, पता नहीं मुझे मिलेंगे भी या नहीं, मगर ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। इस शहर में किसी को ढूंढना मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं। पता नहीं कहां होंगे ये लोग। अरे आज आप यहां बैठे हैं, कोई काम था? हाँ, मैं सोची थी कि आप भाभी से शाहजेब और उरूज की रस्म की बात करें ना। करता हूं। पहले भी आपकी सुस्ती की वजह से यहां का रिश्ता कहीं और हो गया, अब आप फिर वही कर रहे हैं। क्या तुम समझती हो सब का जिम्मेदार मैं हूं? मेरी वजह से हुआ है सब? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। रूज कितनी परेशान है, आपको इस बात का एहसास है? कम से कम रूज और शाहजेब की मंगनी हो जाएगी तो एक दूसरे के करीब तो आएंगे। आप बात ही नहीं समझते। अब कुछ बोले भी? अच्छा अच्छा ठीक है, करता हूं बात भाभी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये परचून वाले ने पैसे दिए? खुलने नहीं थे ना उसके पास। ये ले, ये ले। पूरे ही होंगे। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है। देखे बताने से दिल हल्का हो जाता है, तसल्ली की जो दो बोल होते हैं ना इंसान का दिल हल्का कर देते हैं। आपको देख के लगता है कि किसी की बात है ना, बहुत बुरी तरह दिल दुखाया आपका। मगर उस दिन तो आपने कहा था कि बच्चियों के जो वालिद हैं दुनिया में आई नहीं। झूठ कहा था मैंने? अगर मैं आपको ये कह देती कि वो मुझे छोड़कर चले गए तो हजार तरह के सवाल आप भी करते ना, मैं किस किस के सवालों के जवाब देती। आप जानते हैं हमारे माशरे में तलाक औरत के लिए कितना बड़ा जुर्म है। मदद चाहे कोई भी हो, गुजूर किसी का भी हो, लोग तो औरत को ही गुजूरबाज समझते हैं ना। देखे 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 ऐसा ना करें। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये होने से ना आज तक कभी कोई मसला हल हुआ है नहीं? हुआ ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी वजह से ऐसा मसला खड़ा होगा। अगर ये मन और रयान का रिश्ता मेरी वजह से नहीं हो सका मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी।
कैसे समझाऊं आपको, हर बात का जिम्मेदार खुद तो क्यों ठहराती हैं आप, क्यों ले रही हैं इतनी टेंशन? कोई ना हल निकल आएगा इसका, हैं? अब मैं चलता हूं। तमाम मसलों का एक हल है मेरे पास। जी, क्या? आपने कहा कर ले? अच्छा रिश्ता नहीं चाहिए मुझे, बुरा रिश्ता चाहिए। और अगर हो सके ना तो जितना घटिया रिश्ता तेरे पास है ना वैसा चाहिए मुझे। ATV, सारे रंग हमारे।